80 डिब्बों से आपने सालाना क्या आमदन हासिल की, कोई एस्टिमेटेड है आपके पास आइडिया? हमने तकरीबन 7, 4, 8, 9, 11 लाख रुपए बेरी का शहद बेचा, सही बेच छोड़ा है। और ये फ्लाई का, ये बरसीन का और फ्लाई का सीज़न नहीं लगा, सही, क्योंकि बारिश ज़्यादा था, बारिश की वजह से बस मौसम ख़राब हो गया, शहद नहीं दिया। मलका ही है, ये मलका, ये मलका है। बाबा ये मक्खी नहीं है, ये पैसे बनाने वाला मशीन है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। मुख्तलिफ बिज़नेस आइडियाज़ आपके साथ लेके हाजिर होता रहता हूं और मुख्तलिफ किस्म की फार्मिंग भी आपके साथ शेयर करता रहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मिंग के हवाले से, यानी शहद की मक्खी पालने के हवाले से जानेंगे कि ये शहद की मक्खी अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है, डिब्बे खरीदने कितने में डिब्बा खरीदेगा और उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होगा वो कितना खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा मक्खी अगर खरीदनी है तो किस हिसाब से खरीदी जाती है और इससे सालाना प्रॉफिट कहाँ तक हासिल किया जा सकता है, किन किन इलाकों में ये पाली जा सकती है और कौन से वो मौसम है कि जिसमें ये नहीं पाली जा सकती या जिसमें खुद से खर्चा करना पड़ता है। इस पर इस किस्म की बहुत सारी मालूमात आज की इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट के वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अगर आप भी कोई यूनिक कारोबार कर रहे हैं और उसे पाकिस्तान भर में मुतारफ करवाना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और हमारी खिदमत हासिल कीजिए। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है खान साहब, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। खान साहब अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम फैज़ मोहम्मद है। इलाका कौन सा है? मानसेरा। मानसेरा से चले, कहाँ कहाँ पे विज़िट करते हुए यहाँ पे आन पहुँचे? हम तो मानसेरा से इसी टाइम हमारा रहायश मानसेरा में होता है, लेकिन इस साल सीज़न नहीं लग गया तो इतना खर्चे की कमी की वजह से हम इधर लाहौर रह गया। खान साहब कितने डब्बे हैं आपके पास अभी? 150। 150 कितने सालों का तजर्बा है? बस 12 साल हो गया मैं मक्खियों में काम कर रहा हूँ। 12 साल का तजर्बा कैसा रहा? बस अच्छा रहा माशाल्लाह। 150 डब्बे पे अभी कितनी लेबर्स आते हैं आपके? 2 बंदे हैं हम। आप 2 बंदे हैं। खान साहब ये इस बिज़नेस के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, डिटेल से जानना चाहता हूँ कि ये डिब्बे जो आप लगा के बैठे होते हैं, ये डिब्बे कहाँ से मिल जाते हैं? ये डब्बे तरना फार्म से भी मिलता है, पेशावर। अच्छा। और फार्म वालों से भी मिलता है जगह जगह में। इस टाइम कोई लोग बेचते हैं क्योंकि ये कीमती सीज़न आने वाला है, बेरी जो बेरी का सीज़न है ना, लोग कोशिश करते हैं कि मैं सस्ता रेट पे डब्बा ले और उसका शहद निकाल के बेच। मेन मार्केट वैसे पेशावर में है इसके डिब्बों के, पेशावर में। ये बताइएगा कि एक डिब्बा बगैर जालियों के ये कितने में मिल जाता है? ये तकरीबन 1200 से लेकर 1400 पर मिलता है और आखिर तक तैयार होने में 18-2000 रुपये। तैयार होने में जालियाँ जो लगती हैं, जालियाँ लगती हैं वो खुद तैयार करनी पड़ती हैं जालियाँ जो? जी, मोम लगाना पड़ता है। अच्छा, मोम और साथ और क्या लगता है उसके? तार लगता है। तार लगता है। तार किस रेट पे मिल जाता है? तार तो चाइना 700 रुपये किलो और ये दूसरा 300-400। 1400 का डिब्बा आया, 400 की आपके ये तार और ये फ्रेम वगैरह आ गया। हाँ। और कलर का खर्चा तकरीबन कितना हो जाना है? कलर का भी 200-250 रुपये। यानी अगर खाली डिब्बा बगैर मक्खियों के लिया जाए तो तकरीबन 2000 तक ये खर्चा हो जाता है, ऐसे ही है। हाँ। और अगर मक्खियों से भरा डिब्बा लेना हो और किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है, उसे मक्खियाँ भी चाहिए, तो ये कितने में मिल जाता है? ये तो मुख्तलिफ अवकातों में, सीज़न के बाद में। अभी ये सीज़न जो है ना, कीमती सीज़न आने वाला है, इस टाइम महंगा होता है। सही। नकद 200 का 6000 रुपये पर बिका हुआ है। सही। मंडी बाउद्दीन में। सही। और यही रेट चल रहा है। सीज़न कौन से पीक सीज़न होते हैं जिसमें इसे ख़रीद लेना चाहिए और बिज़नेस करना चाहिए? सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। अच्छा, ये मिलता है उस टाइम। सही। सुना है कि बाद सीज़न ऐसे भी आते हैं कि जब ये मक्खी को फूल नहीं मिल रहा होता, उस वक्त सिर्फ चीनी घोल के इन्हें खिलानी होती है अपनी तरफ से। वो कौन कौन से सीज़न है? वो ज़्यादा 4 महीना सर्दियों में और चार महीना गर्मियों में फुल, जब गर्मी हो और फुल सब सर्दी हो। सर्दियों में सही। उसके अलावा आप साल में कितनी मरतबा एक डब्बे से शहद निकालते हैं? हम तो 2 मरतबा फ्लाई और बेकड़ का निकालेगा। सही। उससे फिर आना है लाहौर या शटाले के लिए, बरसीन के लिए। सही। 2 मरतबा इधर निकालेगा। सही। तो फिर इधर से कोई लोग लाहौर से जाएगा ठंडी इलाकों में, मानसेरा, पेटाबाद, मरी, कागान, इस इलाकों में। सही। और कोई लोग इधर ही रहेगा लाहौर में, मक्खी पालता है, पर 9वें महीने में इधर से जाएगा तो बीरी के लिए। अच्छा, शटाले से पहले आपने कौन सी चीज़ बताई जिसका शहद निकालना? ये फ्लाई। फ्लाई, ये कहाँ पे, फ्लाई के लिए किस इलाके का रुख किया जाता है? ये पाकिस्तान का मशहूर पहाड़ है क्यूड़ा, हम तो उधर ही जाएगा। सही। और चकवाल, तलागंज, इस इलाकों में भी फ्लाई ज़्यादा है। बेरी का शहद लेने के लिए किन से इलाके की तरफ जाया जाता है? ये जंड, चकवाल, जंड, चकवाल, मेवाली, करक, पिंडी गैप, मेरा शरीफ, इस इलाकों में। सबसे महंगा कौन सा शहद होता है? बेरी का। बेरी का सबसे महंगा होता है, और ये आपने बता दिया इन इलाकों से मिलता है। इसका रेट कहाँ तक जाता है बेरी के शहद का? पिछले साल तो लोगों ने 1,10,000 रुपये तक, 20,000 तक मन भेजा है। अच्छा, आप मनों के हिसाब से सेल करते हैं? जी। बहुत सारे व्यूवर्स देख रहे होंगे, हो सकता है वो ख़रीदना चाहें। किलो के हिसाब से भी वो नंबर मैं आपका डाल दूँगा स्क्रीन पर। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपने मनों के हिसाब से सेल करना होता है तो कौन से इलाके में जाके सेल करते हैं? पेशावर में। पेशावर में बिकता है, बाकायदा इसकी मार्केट है। हाँ, पेशावर में, पेशावर तरना फार्म में। सही। हमने देखा है कि शहद की मक्खी उसके करीब चला जाए वो छोड़ती नहीं है, पीछे पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि फार्मों में इस तरह के जो फार्म बने होते हैं, आसानी से इंसान उसके अंदर घूम रहे होते हैं। ये क्यों नहीं इंसान के दुश्मन बनते? ये तो इसमें हम तो हर रोज़ इसमें काम कर रहा हूँ ना, इसलिए ये इंसानों के साथ, बंदों के साथ हिल जाएगा। सही। ज़्यादा काटेगा नहीं, काटता है तो ये भी काटता है लेकिन ज़्यादा नहीं काटता है। कोई बिज़नेस ये स्टार्ट करना चाह रहा है, कौन कौन सी मुश्किलात उसे सामना करना पड़ सकती हैं? इस कारोबार में बीमारियां कौन सी आती हैं मक्खी को? इसमें मुख्तलिफ बीमारी आती है, पिचश भी आती है। इसमें जुए की तरह एक किस्म जानवर है, छोटे छोटे। सही। वो बहुत मुहलिक जानवर है मक्खियों के लिए। सही। और मुख्तलिफ आएगा, जुओं इंसानों पर बीमारी आएगा, वो इन पर भी आएगा। सही। जुओं से इसका बचाव कैसे कर सकते हैं फिर? उसको छहने वाला टीका है। सही। वो स्प्रे करके देना है और सल्फ़र देना है। सही। तम्बाकू, सल्फ़र। सही। ये चीज़। और इसके अलावा ये जो कीड़ी होती है। हाँ। ये भी इसे तंग करती है, चींटी, जो हम इसका दुश्मन ज़्यादा है। चींटी है, पीली है, चिड़ी है। अच्छा, चींटी भी इसे तंग करती है। हाँ। तो चींटी से बचाव कैसे कर सकते हैं? चींटी से एक किस्म दवाई है, वो डालने। सही। और चिड़िया भी आप बता रहे हैं इसकी दुश्मन है। हाँ। उससे कैसे बचाया जा सकता है? उससे तो इस टाइम हर जगह में होता है, लेकिन 10-15 या 5-6 फार्म एक इलाके में हो जाए ना तो हुए तो फिर इतना असर नहीं पड़ेगा। सर बताइएगा, साल में एक पेटी पर खर्चा कितना आता है और साल में एक पेटी से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? साल में एक पेटी पर तकरीबन ज़्यादा खर्चा आएगा, 1,000 से लेकर 5,000, 10,000 तक पेटी पर खर्चा आएगा। ठीक। लेकिन फिर कमाई भी देता है ये। बेकड़, प्लाई और बरसीन का शहद, इसका खर्चा होएगा और बेरी का फिर बचत होएगा अगर अच्छा सीज़न लग गया। आप 12 साल से ये कर रहे हैं? ठीक है। 12 साल से आपके पास 150 डिब्बा ही है? नहीं, तकरीबन पिछले साल हमारा साथ 80 डब्बे था। 80 डब्बे था। और 80 डिब्बों से आपने सालाना क्या आमदन हासिल की, कोई एस्टिमेटेड है आपके पास आइडिया? हमने तकरीबन 7-4-8-9-11 लाख रुपए बेरी का शहद बेचा। सही। बेच छोड़ा है। सही। और ये फ्लाई का, ये बरसीन का और फ्लाई का सीज़न नहीं लगा। सही। क्योंकि बारिश ज़्यादा था, बारिश की वजह से बस मौसम ख़राब हो गया, शहद नहीं दिया। सर्दियों में बहुत ज़्यादा जब धुंध पड़ती है। हाँ। उस सूरत में कैसे इसको मेंटेन करते हैं? उस सूरत में तो हम इसको खुराक देना है बस। सही। सर पूछना ये था कि क्या कोई बंदा जिसके गिर्द गिर्द बगात हों या खेत हों, वो अपने घर में इनको पाल सकता है? पाल सकता है। क्या मुश्किलात उसको फेस करनी पड़ सकती है? उसके इसका ये मक्खी पालने का जगह घर नहीं है, खेत है, बाहर है, यानी गांव से बाहर हो जाए। कोई गांव हो ही खेतों में तो क्या वो पाल सकते हैं जिसके इर्द गिर्द लहलहाते खेत हों, बरसीम हो, दरख्त हो, यहाँ यानी वहाँ पे फूल दस्तियाब हों। हाँ, 10-15 डब्बे पाल सकते हैं, ज्यादा नहीं। 1-2 डब्बा क्या एक घर की जरूरत के लिए काफी नहीं होता? काफी होता है। एक डब्बे से एक सीजन में कितना निकल आता है? डब्बे से सीजन में अगर अच्छा मक्खी हो उसमें तो 50 किलो भी निकलता है। एक डब्बे निकलते हैं साल में? नहीं, एक बार में, एक साल में 2-3 मरतबा। साल में 2-3 मरतबा, यानी अगर कोई बंदा घर में एक डब्बा रख ले तो साल में 2-3 मरतबा 50 किलो शहद ले सकता है, अगर उसके घर बगीचा वगैरह हो तो। हाँ, लेकिन मैंने सुना था कि 9 किलो के करीब निकलता है एक बार में। अच्छा, अच्छी किस्म बता रहे हैं, किस्में कौन कौन सी है मक्खियों की? किस्में एक होता है कारीगर, ठीक, दूसरा होता है नर, और तीसरा होता है एक मालिका। वो तो इस एक डब्बे के अंदर होता है। एक डब्बे के अंदर होता है। नर इस मौसम में इतना ज़्यादा नहीं होता है, अभी कारीगर ज़्यादा है और सिर्फ मालिका एक